शर्जिल के बाद जेएनयू की छात्रा आफरीन फातिमा का भी 23 जनवरी का एक भड़काऊ वीडियो सामने आया। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज में आपत्तिजनक बयान दिए। प्रयागराज में एंटी सीएए प्रदर्शन के आयोजनकर्ताओं ने आफरीन फातिमा के भड़काऊ भाषण से किनारा किया। पुलिस कर रही भाषण की जांच। भड़काऊ भाषण के मामले में शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया। देशद्रोह और दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप। शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ से पुलिस ने भी दो टीमें दिल्ली भेजी। गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। बिहार के जहानाबाद में भी शर्जिल के घर पहुंची पुलिस। एसपी की अगुवाई में छापेमारी पर नहीं मिला कोई सुराग। यूरोपीय यूनियन की संसद में एक समूह ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव पर बुधवार को बहस होगी और उसके एक दिन बाद होगा मतदान। प्रस्ताव में भारत से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करने की अपील की गई। सीएए को निरस्त करने की मांग पर विचार करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की संसद के प्रस्ताव पर भारत ने आपत्ति जताई। इसे आंतरिक मामला बताया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने प्रस्ताव का समर्थन करने वालों को तथ्य समझने के लिए संपर्क करने की उम्मीद जताई। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी विधायिका के अधिकारों पर सवाल खड़े पर आपत्ति जताई। स्कॉटलैंड में नागरिकता कानून के समर्थन में हुई रैली। ईडनबर्ग में लोगों ने पोस्टर लेकर सीएए का किया समर्थन। देश के कई इलाकों में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के आजाद मार्केट में लोगों ने धरना दिया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन में पहुंची महिलाएं। मुंबई के सेंट्रल इलाके में भी शाहीन बाग की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र बीती रात इकट्ठा हुए। सीएए के विरोध में किया हंगामा। चेन्नई में भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर। प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी थी। आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा में आएगा सीए के खिलाफ प्रस्ताव। अब तक केरल पंजाब राजस्थान विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हुए हैं। गणतंत्र दिवस के दिन पश्चिम बंगाल में लोगों ने बनाए ह्यूमन चेन। संविधान में बताई गई बातों का कद्र करने की अपील। जयपुर में हिरासत में लिए गए 5 लोगों को छोड़ा गया। फेस्टिवल के दौरान सीएए और एनआरसी के विरोध में नारेबाजी की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के खिलाफ आंदोलन के लिए कांग्रेस और आपको ठहराया जिम्मेदार। कहा लोगों को भड़का कर और गुमराह कर गाड़ियों में आग लगाई गई। अमित शाह ने रोहतास नगर की रैली में कहा ईवीएम का बटन इतने गुस्से में दबाना कि करंट शाइन बाग में लगे। दिल्ली के बाबरपुर में अमित शाह की सभा में सीएए का विरोध करने वाले युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। अमित शाह ने शांत कराया। सिक्योरिटी से युवक को सही सलामत ले जाने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर आप और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा दोनों पार्टियां वोट बैंक के लिए फैला रही हैं अफवाह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अदनान सामी को पद्मश्री मिलने का जिक्र करते हुए सीएए का किया विरोध। पूछा पाकिस्तानी मुस्लिम को नागरिकता मिल सकती है तो कानून लाने की क्या जरूरत। सीए को लेकर शशि थरूर का बयान। कहा मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्ना जीत गए लेकिन वो जीत रहे हैं। शशि थरूर ने कहा सीएए के बाद केंद्र जबरदस्ती एनआरसी लागू करना चाहेगी। धर्म के आधार पर नागरिकता देने का विचार पाकिस्तान का। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराएगा। सीए के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई की शिकायत करेगा। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए केरल के सीएम पी विजयन एलडीएफ की तरफ से आयोजित ह्यूमन चेन में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने स्कूलों में नागरिकता कानून समझाने के लिए मांगी इजाजत। राज्य में आज से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने तोड़फोड़ करने वालों पर निशाना साधा। कहा लोकतांत्रिक देश होने से लोग कर पा रहे हैं इस तरह का प्रदर्शन। झारखंड के लोहरदगा में 5 थानों में रविवार को कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। सीए के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुआ मोबाइल फोन सेवा और 2G इंटरनेट। गणतंत्र दिवस पर एहतियातन एक दिन का लगा था बैन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। नरेला बवाना और गांधीनगर में रैली करेंगे। दिल्ली के दंगल में आज भी उतरेंगे अमित शाह। 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज रैली। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के रोहतास नगर में किया चुनाव प्रचार। सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई अहम बैठक। प्रकाश जावड़ेकर बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। यूपी में आज 5 दिवसीय गंगा यात्रा की होगी शुरुआत। सीएम योगी बिजनौर और गवर्नर आनंदीबेन पटेल बलिया में हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा यात्रा में केंद्र सरकार के 8 मंत्री होंगे शामिल। 31 जनवरी को कानपुर में गंगा के किनारे होगा समापन समारोह। मुंबई से सटे ठाणे में एमएनएस की ओर से लगाए गए पोस्टर, लिखा राज ठाकरे ही बाल ठाकरे के असली वारिस। मुंबई में आज से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा और नरिमन पॉइंट में रात भर खुले रहेंगे होटल्स, मॉल, सिनेमा घर। आदित्य ठाकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। ग्रेटर नोएडा में हुए गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हापुड़ से पुलिस ने मिर्ची गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद बदमाश को लूट का सामान बरामद करने के लिए हापुड़ ले गई थी पुलिस। इसी दौरान बदमाश ने दारोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में लगी पैर में गोली। बदमाश के साथ पुलिस ने इनामी अपराधी आशु की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। वारदात के मुख्य आरोपी और गैंग के लीडर आशु की तलाश जारी। उग्रवादी संगठन उल्फा आई ने ली असम में बम धमाकों की जिम्मेदारी। गणतंत्र दिवस के दिन 3 जिलों में हुए थे 5 धमाके। अकेले डिब्रूगढ़ में हुए हैं 3 धमाके। एक एक धमाका 3 सुकिया और 4 देवी में हुआ। झारखंड के चाईबासा हत्याकांड मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। सभी को न्यायिक हिरासत में लिया गया।
हेमंत सोरेन सरकार ने एसआईटी जांच के लिए आदेश दिए। चाईबासा में 7 लोगों की पत्थलगड़ी के नाम पर हुई थी हत्या। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के डीजीपी को दिया निर्देश, चाईबासा नरसंहार मामले में हो सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी ने देशवासियों से हिंसा छोड़ने की अपील की, कहा हिंसा समस्या का समाधान नहीं, मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। ब्रू रियांग शरणार्थियों पर पीएम मोदी का बयान, 23 साल तक जीवन था नर्क, अब त्रिपुरा में सबको घर मिलेगा, 600 करोड़ रुपए की मंजूरी। 2020 के गणतंत्र दिवस के दिन साल का पहला मन की बात कार्यक्रम, मन में कैन डू का भाव उभारने की अपील। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए असम सरकार और वहां के लोगों को बधाई दी, कहा खेल भावना देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अटारी बाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में दिखा बीएसएफ जवानों का जोश, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। बीटिंग रिट्रीट देखने दर्शक दीर्घा में पहुंचे देश भर से लोग, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा आसपास के पाकिस्तानी इलाकों में भी गूंजा। गणतंत्र दिवस पर भारत और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में हुई रस्मी बैठक, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर। गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर दिखी तल्खी, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ नहीं किया मिठाइयों का आदान प्रदान। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति बने मुख्य गेस्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशनी से नहा उठा राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हुआ जगमग। दिल्ली में इंडिया गेट के पास रविवार शाम लगा ट्रैफिक जाम, भारी तादाद में इंडिया गेट पहुंचे थे लोग। इंडिया गेट के पास जमा हुई थी हजारों लोगों की भीड़, 5 मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट सेवा बंद होने से बड़ी परेशानी। पद्म भूषण अवार्ड मिलने पर पीवी सिंधु ने जताई खुशी, सरकार बैडमिंटन संघ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को धन्यवाद दिया। पद्मश्री सम्मान मिलने पर भजन गायक मुन्ना मास्टर ने खुशी जताई, बोले कभी नहीं सोचा था कि यह सम्मान मिलेगा। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में लोगों की मदद करने वाले अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री मिलने पर भावुक हुई उनकी पत्नी, का आज अगर वो जिंदा होते तो हम साथ में ये सम्मान लेते। अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को भी दिया जाएगा पद्मश्री, अब तक 5,500 लावारिस शवों का कर चुके हैं अंतिम संस्कार। पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने पद्म भूषण सम्मान के ऐलान पर कहा, पुरस्कार मुझे नहीं जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिला है। कमांडर ज्योतिन रैना को नौसेना पदक से किया गया सम्मानित, पुलवामा हमले में निभाई थी अहम भूमिका। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया ने लोगों को बांटे तिरंगे झंडे, अनोखे तरह से मनाया गया गणतंत्र दिवस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बॉर्डर पर मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह, सेना ने आम लोगों के साथ मिलकर मनाया जश्न। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गणतंत्र दिवस पर दिखा खूबसूरत नजारा, आंगनवाड़ी में काम करने वाले 400 महिलाओं ने नृत्य के माध्यम से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 10 रुपए की शिव भोजन थाली की शुरुआत, मुंबई के नायर हॉस्पिटल में मंत्री असलम शेख ने किया लॉन्च। पूरे राज्य में 125 जगहों पर की गई है शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत, आंकड़ों के मुताबिक ये योजना महाराष्ट्र में 18,000 शिव भोजन थाली की खपत होगी। थाने में मंत्री एकनाथ शिंदे ने शिव भोजन थाली को लॉन्च किया, आम आदमी के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया। कोरोना वायरस को लेकर देश के एयरपोर्ट पर अलर्ट, अब तक 137 विमान के 4,000 से ज्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। कोरोना वायरस को देखते हुए ओडिशा सरकार सतर्क, भुवनेश्वर में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। अभिजीत बैनर्जी ने कहा बीते 30 सालों में भारत में गरीबी में भारी कमी आई, अब घटकर 20% ही कम रह गई है गरीबी। केरल सरकार ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, नेपाल में 8 भारतीयों की मौत के मामले में नेपाल सरकार से जांच कराने को कहा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर, लो विजिबिलिटी की वजह से उत्तर रेलवे की 14 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण काफी बुरे स्तर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 तक पहुंचा। शिमला के पास रामपुर में जंगलों में लगी आग, वन विभाग की टीम के साथ आम लोग भी आग बुझाने में जुटे। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर सेक्टर में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशु तस्करी के दौरान बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, बीएसएफ जवानों ने चलाई गोली, एक पशु तस्कर की मौत। बीएसएफ जवानों ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। हरियाणा के पलवल में टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई, एक आईपीएस अधिकारी के सिक्योरिटी गार्ड पर लगा आरोप। इराक में अमेरिकी दूतावास के पास दागे गए 5 रॉकेट, ईरान पर रॉकेट दागने का शक। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस से अब तक 80 लोगों की मौत, अमेरिका अपने लोगों को दूसरे शहर में करेगा शिफ्ट। हांगकांग में कोरोना वायरस का 6 मामला भी सामने आया, चीन के वुहान से आई 47 साल की महिला वायरस की सरकार। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 5 मामले सामने आए, अमेरिकी हेल्थ विभाग ने की पुष्टि। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश में मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट और उनकी बेटी समेत 9 लोगों की मौत। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमला, विद्रोहियों के और करीब पहुंची सेना। स्पेन में लूनर न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा है, सड़क पर उतरकर सैकड़ों लोगों ने सेलिब्रेट किया। टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी मात, 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त। मैच में केएल राहुल ने खेली नाबाद 57 रनों की पारी, श्रेयस अय्यर ने बनाए 33 गेंदों में 44 रन, राहुल बने मैन ऑफ द मैच। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 3 की कुछ और तस्वीरें सामने आई, टाइगर ने सोशल मीडिया पर सेट की तस्वीरें शेयर की। कंगना रनौत ने फिल्म तलाइवी के सेट पर काटा केक, फिल्म पंगा की सक्सेस और पद्मश्री सम्मान मिलने का जश्न मनाया।